लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ एरे. तो एरे का डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं. एरे, ठीक है. तो अगर मुझे एरे बनाना है और मुझे 5 लोगों की हाइट स्टोर करने हैं, राइट, या मेक एन एरे टू स्टोर द हाइट्स ऑफ 5 इंडिविजुअल्स. तो एरे का टाइप क्या होगा? एरे का टाइप क्या होगा जब मुझे 5 लोगों की हाइट स्टोर करनी हो तो? इंटीजर हाइट्स. हाउ कैन यू हैव height is not in round figure, no? 5 feet, 6 feet, 7 feet. Float, na? Okay. तो मैंने array का type बना दिया float. Array का नाम दे दिया, let's say मैंने कुछ भी नाम दे दिया, h दे दिया array का नाम. So you can give whatever name you wish to. Size कितना दू? Declare करते वक्त देना है size of the array. कितने individuals है? Five. तो साइज क्या दूंगा मैं? Five. ठीक है, हो गया. ओके, अभी ये 5 साइज हो गए तो आपका एरे इस तरह ड्रॉ हो जाएगा. चालू करो और पढ़ लेते हो. एक सेकंड है गाइस. हाँ भाई, तो कितने सेल्स बन गए फिर अभी उसके? 5 हेड के सेल्स कितने बन गए? 5 हो गए. तो इंडेक्सेस कितने होंगे? इंडेक्सेस तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स 0. यस, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0. और लास्ट इंडेक्स क्या होगा? और साइज माइनस 1. यस, तो व्हाट इज द साइज? साइज कितना है? 5. तो 4 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4. तो बीच बाकी इंडेक्सेस बीच के आ गए. इट वोंट स्टार्ट विदाउट चार्ज. हां, तो फिर यस ठीक, 2 और ये 3. ठीक है, ओके. सो फ्लोट है ना पॉइंट में आएगा? नहीं 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 बराक, इंडेक्सेस विज ऑलवेज बी इन इंटीजर्स ना बाबा. बात चल रही है इंडेक्स की. हेलो, देखो यहाँ पर अगर ईटी के स्टूडेंट बैठेंगे, ईटी के स्टूडेंट्स, तब भी सीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेगा ना. समझ रहे? हाँ. नहीं, और यहाँ पर अगर जो है इंडियन टीम के प्लेयर्स बैठेंगे, इंडियन टीम के प्लेयर्स, तब भी व्हाट आर द सीट नंबर्स? अगर ये 6 सीट्स इंडियन टीम के लिए बुक्ड है तो इंडियन टीम के प्लेयर बैठेंगे इधर, इंडियन टीम. तो व्हाट आर सीट नंबर्स? क्या रहेंगे सीट नंबर्स? सीट नंबर विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओनली, राइट? द वैल्यू विल कीप ऑन चेंजिंग. द वैल्यू पहले इनम टेक के थे, अब इंडियन टीम के आ गए. वैल्यू विल कीप ऑन चेंजिंग बट द सीट नंबर विल बी सेम. यस और नो? यस. तो इंटीजर एरे हो, कैरेक्टर एरे हो, फ्लोट एरे हो, इंडेक्स क्या रहेगा? इंडेक्सेस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. इंडेक्सेस वो रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4. समझ में आ रहा है? यस सर. भले वो कैरेक्टर का टाइप कुछ भी, एरे का टाइप कुछ भी हो. ओके, उसका बेस एड्रेस ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि कितना है. 1000, अज्यूमिंग कि बेस मेमोरी एड्रेस 1000 है. ओके, 1 फ्लोट इज अ हाउ मेनी बाइट्स? I told you all, no? Initially, data type और size, I told you the very first lecture. तो data type अगर character है, तो size क्या है character का? 1 byte. अगर integer है तो? 2 byte. और अगर float है तो? 4 byte. ठीक है ना? तो अभी बोलो, एक फ्लोट की मेमोरी कितने बाइट्स होती है? 4 बाइट्स. तो ये वाले जो फर्स्ट
जो फर्स्ट आएगा वैल्यू वो कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा? फोर बाइट्स। कौन से कहां से कहां तक? 1000 से लेके 1004 तक, चार बाइट ना, जीरो भी काउंट कर रहे, जीरो काउंट कर रहे ना, 1000 काउंट कर रहे ना, तो कौन से चार बाइट ले लिया उसने, कौन से चार बाइट्स ले लिया उसने? 1000, 1001, 1002 और 1003, है ना। तो अगला एड्रेस क्या साइज होगा? अगला एड्रेस 1004। फिर अगला, क्योंकि मेमोरी अलॉटेड कंटिन्यूसली राइट, तो ऐसे अगर मुझे बेस का एड्रेस मिल जाता है ना, बाकी का मैं खुद निकाल सकता हूं एड्रेस एरे के अंदर, ये है, समझा। तो इसके लिए आपको सिर्फ बेस जो जीरो इंडेक्स है ना उसको बोलते हैं बेस एड्रेस। तो जीरो इंडेक्स का जो एड्रेस है उसको बोलते हैं बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। तो इफ यू गेट द बेस एड्रेस यू कैन फाइंड द मेमोरी ऑफ द एंटायर एरे, समझा। यही अगर ये एरे होता इंटीजर टाइप का, किस टाइप का होता? और बेस, इफ द बेस एड्रेस वॉज लेट्स से 7000, देन हाउ वुड यू फाइंड द अदर एड्रेसेस, व्हाट वुड बी द इंडेक्सेस? इफ दिस एरे इज अ इंटीजर एंड यूज्ड टू स्टोर लेट्स से 8 इंटीजर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स? 8 इंटीजर्स, ठीक है, 8 इंटीजर स्टोर करते हैं ये एरे में, तो इंडेक्सेस क्या होंगे? इंडेक्सेस, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? लेट्स से इंटीजर एरे है कि इंटीजर एज स्टोर करना है मुझे और 8 लोगों की एज स्टोर करना है, तो क्या करूंगा मैं? तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा इस एरे का? 0। यस, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 7। यस, साइज -1। अब वो इंडेक्सेस विल ऑलवेज बी योर 0 टू दिस, बट एरे का टाइप कुछ भी हो, 1 2। नेहा आ जाएगा, आदिल हैव यू रीच्ड? या आई हैव। 4 5 6 7, सही है ना? ओके, अब इसका अगर बेस एड्रेस है 7000, क्या है 7000, तो बोलो बाकी के एड्रेसेस कैसे निकालेंगे आप उन? क्योंकि इंटीजर इज 2 बाइट्स राइट, तो इंक्रीमेंट द एड्रेसेस बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 7000। यस, समझा? यस सर। 7004, 7006, 7008 और 7010, और क्या है 7012, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7014। ओके, नाउ कैन If the base address is known, what is known? Base address is known. Can you find the address of the nth position? Yes, sir. कैसे? क्योंकि हमें पता है increment कितना हो रहा है. हाँ. And so, if you know the array type, array type मालूम है. Array type is known. Let's say हाँ क्या? वो कुछ भी है. क्या है? Well, it can be a character, it can be an integer, it can be a float. मुझे array का type मालूम है, array का base address मालूम है, तो अगर मुझे निकालना है let's say fifth position का address, क्या निकालना है? position. कैसे निकालेंगे? base address कितना है? base address कितना है? 7000. okay, कौन से position का निकालना है? fifth address. और array का type क्या है? इंटीजर है. क्या है इंटीजर? जिसका साइज क्या है? एक इंटीजर का साइज क्या है? 2 बाइट्स. तो कैसे निकालेंगे? और ये जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ ये एन वेरिएबल में, कौन से वेरिएबल में है? एन वेरिएबल.
n इज इक्वल टू 5, तो कैसे निकालेंगे? तो nth एड्रेस विल बी बेस प्लस क्या, साइज इंटू एन, है ना, साइज इंटू एन, बेस इंटू बेस प्लस n, तो किसे निकालेंगे? तो nth बोले तो 5 हो गया, तो फिफ्थ एड्रेस विल बी बेस कितना है 7000 प्लस साइज कितना है 2 प्लस n का कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5, 7000। अरे समझा क्या नहीं? यस सर। तो आप जब देखोगे फिफ्थ पोजीशन वाला जो एलिमेंट है, इंडेक्स है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ इंडेक्स रादर है, आई शुड से इंडेक्स नॉट पोजीशन, आई शुड से व्हाट, फिफ्थ इंडेक्स, इंडेक्स हम बोलना चाहिए आपको, तो फिफ्थ का एड्रेस क्या आ गया यहां, है क्या नहीं, 7010 फिफ्थ इंडेक्स का। तो ऐसे इसके लिए क्या करते हैं, एरे का सिर्फ बेस एड्रेस देते, बेस एड्रेस दे दिया, हमको मालूम है कि एरे सेम टाइप का होता है, तो आप कौन सा वाला भी एड्रेस आप निकाल सकते हैं, 100 to 100 एक्स वाई जेड, आया समझ में? यस सर। ओके, नाउ लेट्स डू सम प्रोग्रामिंग ऑन एरे, अभी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करते हैं कि ओके, 5 नंबर स्टोर करते हैं एरे में और फिर उनको ऐड करते हैं, स्टोर 5 एजेस इन एन एरे एंड फाइंड सम ऑफ एजेस, फाइंड क्या, तो एजेस हम बोलते हैं आई एम 23 इयर्स, आई एम 17 इयर्स ओल्ड, आई एम 19 इयर्स ओल्ड, तो व्हाट टाइप डू वी यूज टू डिस्क्राइब एज, इंटीजर, एरे का नाम भी मैंने एज ले लिया, साइज का दे दिया उसको 5, ओके, तो एक एरे, तो एक एरे बन गया, तो अपने अपने को दिमाग में चलते रहना चाहिए कि एरे बन गया है, तो ऐसे आप विजुअलाइज करते रहना कि एक एरे फॉर्म हो चुका है बैकग्राउंड में, क्योंकि साइज 5 का है और उसके इंडेक्सेस भी ये, दिस शुड गो इन द बैक ऑफ योर माइंड ऑलवेज whenever dealing with arrays, 3 or 4, okay, और base address assume करना था 1000, ठीक है, अब मुझे इस array के अंदर values डालने, let's see, ठीक है, अभी कितने बच्चे हैं अपने online, 6 बच्चे हैं आप लोग, मुझे मिला के 7 है, तो let's say एक someone जो last है उसको कुर्बानी दे देगा, वो Shafiq will give sacrifice because उसका नाम last आ रहा है alphabetically order में, तो let's start with first, तो Barak, if I want to enter Barak's age over here, what's the age Barak? 20. Then Barak के बाद में किसका नाम दिखा रहा है? Mehak का. What's the age Mehak? 18. फिर उसके बाद में किसका नाम दिखा रहा है? Masira. Piyush, what's your age? 17. Then Saad? 21. And Shafiq? 17. ठीक है, तो ये नाम डालना है मुझे, तो अभी बोलो 20 एज कौन से इंडेक्स पे है, 20 एज कौन से इंडेक्स पे है भाई, जीरो. और तो लिख, व्हेनेवर यू आर इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज, गिव द एरे का नाम एंड गिव द इंडेक्स, कौन से इंडेक्स, कौन से एरे के कौन से इंडेक्स पे, कौन से एरे, कौन सा इंडेक्स उसका, वैल्यू क्या है उस पे, अब एज के कौन सा इंडेक्स, एज के, फिर एज के, फिर एज के, ठीक है,
तो ये वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी है। अब मुझे इनका टोटल निकालना है, क्या निकालना है, 10 + 20 + 18 + 17 + 21 + 17 तो 20 + 35 + 21 gives you what 56 56 + 66 and इसका आना चाहिए 73 आना चाहिए आउटपुट। कितना आना चाहिए टोटल, तो सम ऑफ दिस एजेस इज 73। तो कैसे निकालेंगे बोलो, तो एक तरीका देखो ऐसा है कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर सम, क्या ले लेंगे, उसको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो। क्या कर देंगे इसको इनिशियलाइज, जीरो, ताकि उसमें कुछ भी नहीं हो, ताकि वो ब्लैंक हो जाए, ब्लैंक हो गया ना वो। अब यू कैन डू वन थिंग, दिस इज डोंकी वर्क, तो सम इक्वल्स टू एज ऑफ जीरो प्लस एज ऑफ वन प्लस एज ऑफ टू प्लस एज ऑफ थ्री प्लस एज ऑफ फोर एंड डिस्प्ले द सम। सही है, बट ये डोंकी वर्क, अगर एरे का साइज 100 हो तो क्या करेंगे आप, कितने बार प्लस लिखेंगे, 100 बार प्लस लिखेंगे। तो कैन यू ऑल, कैन एनीवन कम विद अ बेटर सॉल्यूशन, आई विल गिव यू ऑल अ हिंट, वी नो द स्टार्ट वी नो द एंड। इंडेक्स स्टार्ट कहां से होता है भाई, एंड कहां होता है, अब बोलो। यस महक, फॉर, यस एग्जैक्टली, सो फॉर लेट्स टेक अ वेरिएबल आई, ठीक है, लेट्स टेक अ इंटीजर आई जो फॉर लूप का वेरिएबल रहेगा। अब स्टार्टिंग फ्रॉम आई इक्वल टू I less than four. less than four क्या less than equal to four या less than five, देखो यार या तो less than five बोलो या less than equal to four बोलो, ठीक है, so let's take less than five, so starting from zero going till the size less than the size, okay, and I plus plus. Now what to do? अभी क्या करना है, सम में क्या करना है, सम को पहले ब्लैंक कर दिया, सही है ना, yes, sir. आप बोलो क्या करना है, इंटीजर आई इंटीजर सम इक्वल्स टू जीरो, और क्या करना है, फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन फाइव आई प्लस प्लस। अब लूप में क्या करना है बोलो, ये आपका टास्क, सम ऐड होगा, यस और नो, वी नो के सम में भी एलएचएस रहेगा, सम विल बी ऑन द एलएचएस एज वेल एज आरएचएस, दैट वी नो, यस और नो। अब यहां पर क्या करना, यहाँ पर जो बंदा बोलेगा उसको उसको प्लस वन मिलेगा, हाँ बराग n into 5 ऐसा, नहीं wrong, this is wrong, at least he is trying, I'm happy that he is communicating, someone is there in the group who is at least making a constant effort to communicate with me, वरना बाकी लोग लॉग इन करके कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सम प्लस आई, ओके दिस इज शफीक राइट, सात आई है ना, आई का वैल्यू क्या है, सात जीरो वन टू थ्री फोर ना, तो वो जीरो वन टू थ्री फोर को ऐड कर देगा सात, वो जीरो प्लस आदिल आदि वो इनको ऐड कर देगा, समझा, आई को ऐड करेगा तू, आई को तो वो इंडेक्स ऐड कर देगा ना, क्योंकि आई में इंडेक्स है, तो देखो ऐसा है, एज ऑफ जीरो एज ऑफ वन एज ऑफ टू ऐसे लिखते हैं। अब बोलो, आपने साथ आपने आई बोला ना, आई है ना, yes, sir. तो आई किधर है इसमें, जीरो वन टू थ्री फोर आई बीच में है ना, yes, sir.
यस सर। तो अभी बोलो एज ऑफ आई। हाँ यस शफीक एज ऑफ आई। यस एब्सोल्युटली करेक्ट एज ऑफ आई। समझा क्या? यस सर। आई का वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन में? आई का वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन में? जीरो है। तो एज ऑफ आई मतलब एज ऑफ जीरो ना, इसको एज ऑफ आई बोलो या एज ऑफ जीरो बोलो इज द सेम थिंग बिकॉज आई इज जीरो इन द फर्स्ट इटरेशन। आई इज जीरो है ना सर। तो पूरा तो फर्स्ट इटरेशन में आई इज जीरो तो इट कैन बी सेम एज सेइंग एज ऑफ आई इज सेम एज सेइंग एज ऑफ जीरो है क्या? नहीं। तो एज ऑफ जीरो कितना है? एज भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। यस यस हां दिखा देखो एज ऑफ जीरो एज ऑफ वन एज ऑफ टू जो हमने मैन्युअली किए थे याद है एज ऑफ जीरो एज ऑफ टू एज ऑफ ये सब। तो इसके लिए एरे का नाम और उसका इंडेक्स देना पड़ता। क्या देना पड़ता? एरे का नाम और इंडेक्स। तो अभी एज ऑफ आई यानी फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या है? जीरो। तो एज ऑफ आई मतलब क्या है वो? 20। तो सम में क्या है? 20। सम में शुरू में क्या है? सम में जीरो है ना। तो क्या ऐड हो गया? जीरो प्लस 20। जीरो प्लस 20 कितना होता? 20। तो सम क्या बन गया फिर? अभी सम 20 हो गया ना। तो जीरो प्लस 20 तो सम हैज बिकम 20। You agree or no? Yes, sir. Sum is 20. फिर I plus plus I क्या हो गया? One. तो age of I मतलब क्या? Age of one, right? हेलो हेलो। तो सेकंड इटरेशन में आई का वैल्यू 1 है तो एज ऑफ आई मतलब क्या? एज ऑफ 1 ना। एज ऑफ आई मतलब एज ऑफ 1 राइट। तो वो क्या कर रहे हैं? सम में ऐड कर रहे हैं एज ऑफ आई। तो सम कितना है अभी? 20 में क्या ऐड करने का? 18। कितना हो गया? तो सम कितना हो गया? 38। फिर आई क्या हो गया? आई प्लस प्लस से आई क्या हो गया? 2। तो एज ऑफ आई मतलब क्या अभी? तो एज ऑफ आई सेम एज सेइंग एज ऑफ 2। तो एज ऑफ 2 कितना है? वो किसमें ऐड करना है? सम में। सम कितना है? 38। तो 38 प्लस 17 कितना हो गया? 55 हो गया। फिर I क्या हो गया? 3। तो एज ऑफ I मतलब अभी क्या? अभी I का मतलब क्या है? 53 होगा। 38 प्लस 17 नॉन सेंस। स्कूल गए कि नहीं कभी जिंदगी में? सॉरी सर। हाँ तो अभी एज ऑफ आई मतलब क्या? एज ऑफ 55 प्लस क्या? 21 प्लस 21 कितना हो गया? ये 76 है ना। सम कितना हो गया? 55 प्लस 21 ना। कितना हो गया ये? 76 राइट। और फिर जब आई क्या हो गया? 4। तो एज ऑफ आई मतलब एज ऑफ फोर कितना है? 17। तो 17 किसमें ऐड करेंगे?
76 में ऐड करेंगे 17 कितना हो गया 86 93 हो गया ना तब हो गया 93 और जब I 5 हो गया 5 is 5 less than 5 सर तो फिर भाला की क्या डिस्प्ले कर देंगे भाला की क्या डिस्प्ले कर देंगे डिस्प्ले क्या करेंगे लूप के बाहर क्या कौन सा डिस्प्ले करना है वैल्यू प्रिंट एफ परसेंटेज डी और क्या तो ऐसे हम लोग लूप लगा के पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स कर सकते हैं पूरा एरे डिस्प्ले कर सकते हैं तो अभी अगर ये एरे 50 का भी होता कितने साइज का होता है एरे तो सिर्फ क्या करना पड़ता आपने को इधर एक्स्ट्रा यहाँ पर 50 लिखना पड़ेगा समझ रहे तो अभी तुम लोग ये प्रैक्टिस करो एरे डिक्लेयर करो तो ये हो गया एरे डिक्लेरेशन क्या हो गया ये और उसके अंदर वैल्यूज डालो ये जो है ना ये सब ये है एरे इनिशियलाइजेशन क्या ये एरे को हमने डाला इनिशियल वैल्यू और फिर उस पर जो भी ऑपरेशन करना है ऑपरेशन करो तो ऑपरेशन के लिए कोशिश करो कि लूप यूज करने की लूप से काम फास्ट हो जाएगा वरना ये डोंकी वर्क हो जाएगा ठीक है आ रहा समझ में तो अभी तुम लोग क्या करो पांच सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेके ऐड करो क्या करो फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स और उनको ऐड करो फिर 10 पीपल की हाइट और उनको ऐड करो तो दो ये काम करो तो पांच सब्जेक्ट्स के मार्क्स लो उनको ऐड करके दिखाओ और 10 लोगों के हाइट लो उनको ऐड करके दिखाओ ये तुम्हारा असाइनमेंट है आज का एरे का ठीक है